हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 12 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहां पर आ चुका हूं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं पहली अपडेट से। दोस्तों, हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 63 नए केस, 132 हुए ठीक। चंबा में 13, कांगड़ा में 9, मंडी में 7, शिमला में 7, हमीरपुर में 6, ऊना में 6, कुल्लू में 6, सोलन में 4, लाहौल स्पीति में 3, बिलासपुर में 2, आज 1 की हुई मृत्यु। और कुल जो एक्टिव केस हैं वो हैं 1247 और अब तक जो है 198,882 हुए ठीक। तो ये लोग ठीक हो चुके हैं इतने, ठीक है। और यहाँ पर कुल संक्रमितों की बात करें तो 203,626 जो हैं यहाँ पे संक्रमित हो चुके हैं अभी तक के टोटल कन्फर्म्ड केसेस की यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। चंबा, बिलासपुर और सोलन में बढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। जिला चंबा, बिलासपुर और सोलन में कोरोना के सक्रिय मामलों के ग्राफ में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चंबा जिले में 4 जुलाई को 206 सक्रिय मामले थे, अब यह आंकड़ा 300 के पास पहुँच गया है। जिला बिलासपुर में 4 जुलाई को 83 मामले थे, अब ये बढ़कर जो है 118 हो गए हैं। बिलासपुर में 4 जुलाई को 71 केस थे, अब सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 138 हो गई है। तो ये दोस्तों, इन जिलों में जो है ग्राफ धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा है, क्योंकि लोग जो है मास्क यूज़ नहीं कर रहे, ऐसे ही बिना मास्क के बाज़ारों में जा रहे हैं, तो ग्राफ तो बढ़ेगा ही। और दूसरा कि जो बाहर से सैलानी आ रहे हैं वो भी कुछ हम कह सकते हैं कि मास्क का यूज़ नहीं कर रहे हैं। सभी को तो नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ होते हैं जो यूज़ करते हैं, उनको पता है सेफ्टी अपनी रखनी है हमको, बट कुछ जो हैं वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते, तभी ये ग्राफ ऊपर अभी बढ़ रहा है। तो ये लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 1800 रुपये का लगा डीजल, बस ने कमाए महज 165 रुपये। परीक्षा देने अपने वाहनों में पहुंचे अभ्यर्थी, लोकल रूटों पर तेल खर्च भी नहीं हुआ पूरा। HRTC हमीरपुर ने टैट की परीक्षा के मद्देनज़र 12 लोकल रूटों पर चलाई थी बसें। तो हिमाचल पथ परिवहन निगम डिपो हमीरपुर में जो है अध्यापक पात्रता परीक्षा के मद्देनज़र रविवार को 12 लोकल रूटों पर बसें तो भेजी, लेकिन इन रूटों पर तेल खर्च भी पूरा नहीं हो पाया। हमीरपुर से ब्याड रूट पर चलने वाली बस ने 1800 रुपये का डीजल खर्च कर महज 165 रुपये कमाए हैं। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। और बस अड्डा हमीरपुर में गर्मी से बेहाल हो रहे यात्री, पंखे खराब। परिसर में लगाए 5 में से महज एक चल रहा पंखा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। मुख्य अध्यापकों के 200 पदों को 31 जुलाई से भरने पहले भरे विभाग संघ। तो हिमाचल प्रदेश पदोन्नत स्कूल प्राध्यापक संघ ने जो है प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग से राज्य की उच्च विद्यालयों में खाली चल रहे मुख्य अध्यापकों के 200 से अधिक पदों को 31 जुलाई से पहले भरने की मांग की है। संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने जो है और यहाँ पे जो महासचिव हैं उन्होंने कहा है कि मार्च 2021 से बहुत से प्रधानाचार्य पदोन्नति से बना दिए, परंतु 7 माह से बहुत सारे उच्च विद्यालय जो है बिना मुख्य अध्यापक के चल रहे हैं। TGT को बढ़ाने के लिए 7 स्कूल का मुखिया का कार्यभार भी संभालना पड़ रहा है। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि मुख्य अध्यापक की पदोन्नति सूची में विलंब होने के कारण कई TGT और पात्र पदोन्नत प्रवक्ता या तो सेवानिवृत्त हो गए हैं और कई जल्द ही बिना पदोन्नति के सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो ये दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा है, ठीक। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। डिपो में तेल 7 और दालें 8 रुपये तक सस्ती। प्रदेश में पहुंची दालों की सप्लाई, डिपो में उपभोक्ताओं को आवंटन शुरू। तो ये होंगे अब नए रेट दोस्तों। ये चीज़ें अभी आपको थोड़ा सा कम दाम में मिलेंगी। तो दालें APL परिवारों के लिए देख लो, पहले जो है 55 रुपये की दाल चना मिलती थी, अब 49 की मिलेगी, ठीक है। वहीं BPL की बात करें तो पहले 60 रुपये, अब 54 रुपये, 54 रुपये की आपको ये मलका की दाल मिलेगी, ठीक है। और बाकी भी आप यहाँ पे रेट देख सकते हो कि किस चीज़ का क्या रेट अभी आपको मिलेगा, ठीक है। तेल का हालांकि हाँ, तो ये यहाँ पे लिखा है APL उपभोक्ताओं को पहले सरसों तेल 160 रुपये, अब 154 रुपये लीटर मिलेगा। BPL को 155 की जगह 148 रुपये लीटर जो है तेल इनको मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट ये रही। सीमा पर चीन की गतिविधियों की केंद्र को दी रिपोर्ट, सतर्कता जरूरी भंडारू। तो कार्यभार छोड़ने से पहले बोले राज्यपाल, हरियाणा से दिलाएंगे हिमाचल का हक। भंडारू ने कहा अंतरात्मा की आवाज़ पर बढ़ाया SPUVC का कार्यकाल, हरियाणा जाकर भी हिमाचल के लिए करेंगे काम, विधानसभा से जो हुआ उसके लिए माफ़ किया। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। कोचिंग सेंटरों के लिए दोस्तों ये यहाँ पे इन्होंने
कोचिंग सेंटरों को भी खोलने की अनुमति दे प्रदेश सरकार। तो ये यहाँ पे कोचिंग सेंटर संचालक बोले, संस्थान बंद होने से खर्च निकालना हो रहा मुश्किल। दोस्तों बहुत सारे यहाँ पे कमेंट आते हैं कि कोचिंग संस्थान कब खुलेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं वो कोचिंग जाते हैं, तो उनके लिए अगर कोचिंग संस्थान बंद है तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है पढ़ने में। तो अगर सब कुछ खोल दिया गया है तो इसके बारे में भी यहाँ पे कहा है कि इसके बारे में भी अनुमति जो है कोचिंग सेंटरों को खोलने की अनुमति दे प्रदेश सरकार जो है, ठीक है। तो इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं प्रोफेशनल कोर्स ITI सहित अन्य संस्थानों को भी सरकार ने खोल दिया है, जबकि सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से निजी कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर कोई गाइडलाइन और दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। तो ये यहाँ पे कहा है कि प्रदेश सरकार जो है कोचिंग सेंटरों भी खोलने की अनुमति दे, ठीक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल में मॉनसून फिर सक्रिय, 4 दिन के लिए मूसलाधार बारिश का अलर्ट। बारिश से बागवानों किसानों को राहत, प्रदेश के कई इलाकों में जमकर बरसे बादल। सूबे में 13 जून को आने के बाद कमज़ोर पड़ गया था मॉनसून। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, मेडिकल कॉलेजों व अस्पतालों में भी अब प्रशिक्षण लेंगी प्रशिक्षु नर्सें। तो हिमाचल प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में प्रशिक्षण ले रही नर्सों को मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनकी ड्यूटियों बार्डो में लगाई जाएंगी। प्रशिक्षु नर्सें जो हैं मरीजों के बिस्तर ठीक करने के साथ दवाइयों का चार्ट भी बनाएंगी। तो ये दोस्तों यहाँ पर अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, हिमाचल के शिवेन और जर्मनी की सारा ने जीती गए घोस्ट MTB साइकिल रैली। महिलाओं के अंडर 19 वर्ग में पलक ठाकुर पहले और बघीशा शर्मा दूसरे स्थान पर रहीं। तो ये दोस्तों यहाँ पर ये हुई थी अभी अंडर 19 MTB साइकिल रैली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, सैकड़ों ने दी रेस्टोरर और इन्वेस्टिगेटर की परीक्षा। दोस्तों HPSSC की तरफ से ये परीक्षा ली गई है और आप देखते हो कितने अभ्यर्थियों ने यहाँ पर जो है एग्ज़ाम दिया है और कितनों को एडमिट कार्ड जो है जारी किए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही, अलग नहीं सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही पढ़ेंगे दिव्यांग बच्चे। नई शिक्षा नीति में भेदभाव को खत्म करने के लिए किया गया है प्रावधान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही, हजारों अभ्यर्थियों ने दिया TGT आर्ट्स और मेडिकल विषय का टैट। TGT आर्ट्स के लिए 154 और मेडिकल परीक्षा के लिए 82 केंद्र बनाए गए थे। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट्स हैं। अभी मैं आपको एक दो इम्पोर्टेंट अपडेट है जो आपको मैं भी बता देता हूँ क्या क्या अपडेट्स हैं। ये मैं एंड में होती है तो मुझे भूल जाती है क्योंकि यह मैंने वहाँ पर नहीं होती है। दोस्तों HPU BEd वालों के लिए और HPU के PG के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उनके लिए आज यानी कि 12 जुलाई लास्ट डेट है। जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं फिल किए हैं और वो भरना चाहता है तो वो आज फिल कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से इसके बाद डेट मुश्किल ही एक्सटेंड हो क्योंकि ये 2-3 बार तो पहले भी कर चुके हैं। तो अभी 12 आज लास्ट डेट है 12 जुलाई, तो आज जिसने फॉर्म नहीं भरा है वो भर दे, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों बात कर लूँ मैं HPU BEd की, तो HPU BEd वालों के भी आज लास्ट डेट है। और आप बहुत सारे यहाँ पे कमेंट कर रहे थे कि हमारी मिस्टेक हो गई है, दोस्तों आज आप फॉर्म फिल कर लो, या जिन्होंने फॉर्म फिल कर लिया है और जिनकी मिस्टेक हो गई है, कुछ गलती हो गई है फॉर्म में, तो आपको क्या करना है, आप कल से लेकर 15 तारीख तक यानी कि 13 से 15 तक आप अपने फॉर्म में कुरेक्शन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी कोई गलती हो गई है, ठीक है, किसी जगह आपने कुछ गलत भर दिया है तो आप वहाँ पर कुरेक्शन उसकी कर सकते हो, यानी कि 13 से 15 तक आप उसमें कुरेक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपको मैंने बताना था कि आप सभी बहुत ज़्यादा कमेंट यहाँ पे कर रहे थे कि कब जो है यहाँ पर हम ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए मौका है, आप इसके लिए इसको चेंज कर सकते हो। और लास्ट डेट है PG के लिए और BEd एंट्रेंस के लिए भी लास्ट डेट है, जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए लास्ट डेट आ जाए, तो जिन्होंने फॉर्म नहीं फिल किया है वो फिल कर लें। तो यही थी दोस्तों आज की लेटेस्ट अपडेट्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।